कार्यकारी महोदय की प्रेरणा से और उनके सहयोग से आज बड़े भाई जी के भविष्य निधि की जो है वो पूरा हो गया है। 15,78,000 का भुगतान के लिए आदरणीय महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद। इसी क्रम में हम आदरणीय तहसीलदार साहब से अनुरोध करेंगे कि वो नैतिक निर्णय सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। अपने बड़े भाई आदरणीय श्री राकेश बापी जी से अनुरोध करेंगे कि रामायण लेकर के सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि बड़े भाई को जो है घड़ी बांध करके उनको समय की याद दिलाते रहें कि ये समय कैसे बीतता है। चैलेंज जो था कि सपेरों की बस्ती को शिफ्ट करवाना, एक फैमिली को शिफ्ट करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है और वहाँ पे लगभग 100 परिवार थे और उन 100 परिवारों को शिफ्ट करवाने का काम त्रिवेणी जी ने किया था। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पूरे करियर में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एक या दो परिवार को शिफ्ट नहीं करवा पाते। एक महीने के अंदर आपने लगभग 100 परिवारों को शिफ्ट करवा दिया। कई एजेंसी काम कर रही थी लेकिन राजस्व विभाग की तरफ से त्रिवेणी प्रसाद जी लगातार वहाँ पे लगे रहे और सभी के कारण ही जो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रसिद्धि मिली, जो लोगों को एप्रिसिएशन मिला, उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उसके बाद चूंकि शहरी क्षेत्र है आपका, उसमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर थे जिनको खाने पीने की दिक्कतें होती रहती थी, लगातार अन्य जगहों से तमाम फोन आते रहे बट आपके क्षेत्र में रेयरली ही कभी फोन आया होगा कि किसी को खाने पीने की दिक्कत। तो जितने भी, मेरा सिर्फ इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी काम आपको सौंपे गए, ना केवल सौंपे गए बल्कि स्वतः प्रेरणा से भी आपने सारे कामों को जो आपके क्षेत्र के थे पिछले 7 महीने में जो हमने देखा है बहुत बेहतरीन तरीके से उसको निपटाया है और कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। इसीलिए आज जो रिटायरमेंट का था मेरी बात हुई थी तो मैं ये चाहता था कि कम से कम आज एक दिन आपका और है तो आज नहीं किसी और दिन रिटायरमेंट का रखा जाए, आज जो आपका एक दिन है उसको भी हम पूरा यूटिलाइज करें। ये और पार्टी जरूर हो गई है लेकिन अभी इस पार्टी के बाद में अभी आपके ऊपर दायित्व है और आपका हमारा आज का कमिटमेंट ये है कि आज हम कल्ली में कुछ करेंगे। आज कल्ली में कुछ करेंगे तो ये हमारा और आपका कमिटमेंट है। पूरा आपने जो आपका एक जीवन है आप कह सकते हैं, जब से आपको दायित्व मिले हैं राजस्व विभाग का आपने पूरी जिंदगी ताउम्र काम किया है। आज क्या अभी आज शाम को रिटायर होंगे तब तक जिम्मेदारियां चुकी हैं आपके पास में। उसके बाद में फैमिली वालों की एक शिकायत रहती है हमेशा ही कि फैमिली के साथ समय नहीं बिताया है, तो अब आज के बाद में फैमिली के साथ में समय रहेगा। तो अब सिर्फ रिटायर की बात नहीं है, अब आप इसको छोड़ के उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बस सेफ्टी की एक बात है, कोई रिटायरमेंट नहीं होता किसी आदमी का, आदमी सदैव अनवरत चलता रहता है वही है। बाकी आपको आगे के जीवन के लिए, अग्रिम जीवन के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और कभी भी कोई जरूरत हो आपको चाहे तहसील से, किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से, हम सभी सदैव आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।